आदमपुर हॉट सीट से भाजपा प्रत्याशी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हारी, कुलदीप बिश्नोई जीते। देखें हार के बाद क्या बोली सोनाली फोगाट। करती हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने 35,000 वोट से मेरा समर्थन किया और मुझे स्वीकार कर लिया गया है आदमपुर में। पहली बार कोई ऐसा, मतलब बीजेपी को पिछली बार 8,000 वोट मिला था और 35,000 वोट देके आदमपुर की जनता ने साबित किया है कि उन्होंने बीजेपी के नेता को स्वीकार किया। अगली बार के लिए प्रयास करेंगे। अब आगे का प्लान क्या है? आगे का यही है कि आदमपुर में डेरा जमाएंगे, वहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। आदमपुर या नलवा मैम? आदमपुर। आदमपुर तो प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जिम्मेदारी जिस दिन मिली, टिकट मिला था, उस दिन से ही आदमपुर के लोगों के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है और उसी के लिए प्रयास किया जाएगा। क्या पहले से ही कहीं न कहीं एक चुनौती आपके लिए थी, तो क्या लग रहा था? मुझे समय थोड़ा कम मिला, जैसे कि भजनलाल परिवार सालों से यहाँ पे हैं तो उनका संपर्क पहले से था, मुझे लोग कम जानते थे, तो मैं ये 10 दिन के टाइम में लोगों से रूबरू होना, तब तक पहुंच पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अगर मुझे भी 2-3 महीने का टाइम मिल जाता तो शायद मैं ये कवर कर लेती। बीजेपी सरकार भी कहीं आती नजर नहीं आ रही है? अभी रिजल्ट आने दीजिए, शाम तक वेट करें, सीटें कितनी आ रही है। मैडम पूरी कैबिनेट चुनाव हार गई है। देखिए मुझे जानकारी नहीं है, अभी देखेंगे क्या हो रहा है इसके बारे में। तो प्रदेश अध्यक्ष तक चुनाव हार गए, जिला अध्यक्ष भी चुनाव हार गए हैं। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। बराला जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर, उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है बराला जी का। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।